वेलकम टू फ्लाई हाई एकेडमी। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 1, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस होती है। प्रोसेस मीन्स प्रोसेस में आता है प्लानिंग। जितने भी हमारे फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, दैट इज़ अ प्रोसेस। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस होती है जो दूसरों के द्वारा काम करवाती है। किस लिए काम करवाती है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के कुछ गोल्स होते हैं, लाइक अचीविंग गोल्स। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं। जैसे एक कंपनी है, उसको प्रोडक्ट्स बनाने, तो वो कितने प्रोडक्ट्स एक टाइम पीरियड में बनाएगी, कितने प्रोडक्ट्स एक टाइम पीरियड में प्रोड्यूस करेगी, तो उसको मैनेज करने के लिए हम वहाँ पे मैनेजमेंट का यूज़ होता है। सेकंड थिंग, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब आप बोलेंगे इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली क्या होता है। इफेक्टिवली का मतलब ये होता है जितना भी काम आपको दिया गया है, आपको एक टाइम पीरियड दिया जाता है, आपको उस टाइम पीरियड में वो चीज़ अचीव करनी रहती है। देन है एफिशिएंटली। एफिशिएंटली का मतलब होता है कि आपको मैक्सिमम आउटपुट देना है विथ मिनिमम कॉस्ट। आइए अब हम डेफिनेशन देखते हैं इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या होता है। इफेक्टिवनेस इज अबाउट डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग द असाइंड जॉब ऑन टाइम। इसका मतलब है कि आपको जो भी जॉब दी गई है, जो भी जॉब असाइन की गई है, आपको वो टाइम पे कंप्लीट करनी है, लेकिन इसमें हम कॉस्ट को अवॉइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है जिसको 200 प्रोडक्ट्स बनाने हैं विथ इन अ मंथ, तो वो क्या करेगी? हो सकता है उस चीज़ के लिए दो शिफ्ट लगा दे। फर्स्ट शिफ्ट में भी वर्क हो, सेकंड शिफ्ट में भी वर्क हो, लेकिन वहाँ कॉस्ट को अवॉइड कर दिया जाएगा। दो शिफ्ट में काम करने से कहीं ना कहीं एक बिजनेस की जो कॉस्ट होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो वो इफ़ेक्टिव तो है, इफ़ेक्टिवनेस है, बट उसमें एफिशिएंसी नहीं है। अब आप बोलेंगे एफिशिएंसी क्या होता है। एफिशिएंसी का मतलब है जो भी आप जॉब कर रहे हैं वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव मैनर में हो। कॉस्ट इफ़ेक्टिव मैनर मतलब गेटिंग मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम इनपुट, मतलब हमें कम से कम इनपुट लगाने पड़े लेकिन हमारा आउटपुट ज़्यादा आए, दैट इज़ कॉल्ड एफिशिएंसी। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि एक कंपनी है जो कि गुड्स प्रोड्यूस करना चाहती है, उसको ऑर्डर मिला है कि 1 मंथ में उसे 200 प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो वो क्या कर रही है, वो दो शिफ्ट लगा रही है, तो कहीं ना कहीं उसकी जॉब टाइम पे तो कंप्लीट हो जाएगी लेकिन एफिशिएंसी नहीं होगी। वहाँ पे अगर दो शिफ्ट लगेंगी तो कहीं ना कहीं उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, इसीलिए हम उसे एफिशिएंट नहीं बोल सकते। वो इफ़ेक्टिव होगी, एफिशिएंट नहीं होगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम एक बिजनेस करते हैं तो इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों का बैलेंस बना के चलना है। ऐसा नहीं है कि आपको प्रोडक्ट्स जल्दी डिलीवर करने हैं तो आपकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाए। अगर आपकी कॉस्ट इंक्रीज़ होगी तो कहीं ना कहीं बिजनेस को प्रॉफिट कम होगा या नहीं होगा। अब अपन देख लेते हैं इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में क्या डिफरेंस होता है। इफेक्टिवनेस इम्प्लाइज एक्चुअल अचीवमेंट। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि हमने एक्चुअल हमारे गोल्स को अचीव किया है, और एफिशिएंसी का मतलब रहता है कि हमने कॉस्ट को रिड्यूस किया है। इफेक्टिवनेस का मतलब रहता है कि हमने गोल्स को अचीव कर लिया है, और एफिशिएंसी का मतलब रहता है कि हमने कॉस्ट को कम कर दिया है, मतलब मिनिमाइज कर दिया है। इसके बाद आता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि आपने देखा चैप्टर का नाम ही है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। फर्स्ट इज गोल ओरिएंटेड। ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू एस्टैब्लिश। वो किस लिए एस्टैब्लिश होती है? कि उसे इन फ्यूचर जाके कुछ गोल्स को अचीव करना है। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज सर्टेन सेट ऑफ गोल्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर एक बिजनेस एंटरप्राइज के कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं जिन्हें इन फ्यूचर उन्हें अचीव करना रहता है। ये गोल्स साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्कूल है जो न्यूली इस्टेब्लिश्ड हुआ है, तो उसका गोल क्या होगा कि उसे फर्स्ट ईयर में कम से कम 100 स्टूडेंट्स का एडमिशन लेना है। तो दैट इज़ कॉल्ड गोल ओरिएंटेड। मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कुछ गोल होता है। जैसे कि एक स्कूल का गोल है कि उसे फर्स्ट ईयर में 100 एडमिशन चाहिए। सेकंड इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस। जो मैनेजमेंट होता है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, इट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता।
जितने भी इट्स फंक्शन आर कॉन्स्टेंटली परफॉर्म्ड बाय ऑल मैनेजर, मतलब जितने भी फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के वो कॉन्स्टेंटली परफॉर्म होते हैं, लाइक प्लानिंग, सबसे पहले प्लानिंग होती है, देन ऑर्गेनाइज चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जाता है, देन स्टाफिंग, स्टाफिंग मीन्स लोगों को रिक्रूट किया जाता है, देन डायरेक्टिंग, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड किया जाता है हाउ टू डू वर्क, देन कंट्रोलिंग, उसके बाद हमें उस पर कंट्रोल करना रहता है कि आपने क्या चीज़ सही करी है और आपने क्या चीज़ गलत करी है। जो मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं वो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी चलते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी मीन्स कि आज आपको प्लानिंग करनी है तो आपने प्लानिंग पे ज़्यादा टाइम दे दिया, देन हो सकता है आपको फिर कंट्रोलिंग करनी हो तो आपने कंट्रोलिंग पे ज़्यादा टाइम दे दिया। तो ये जितने भी फंक्शंस होते हैं अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, अकॉर्डिंग टू नीड चलते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। कंटिन्यूस प्रोसेस मतलब कि सारे मैनेजर्स, जितने भी मैनेजर्स हैं वो कंटिन्यूसली चीज़ों को परफॉर्म करते ही जाते हैं, इसलिए हम मैनेजमेंट को एक कंटिन्यूस प्रोसेस भी बोलते हैं। देन इट इज़ परवेसिव और यूनिवर्सल। अब परवेसिव और यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? मतलब परवेसिव का मतलब ये होता है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वेदर इट इज़ बिग और स्मॉल, हर एक चीज़ में मैनेजमेंट को देखा जाता है। द एक्टिविटीज़ ऑफ मैनेजमेंट आर एप्लीकेबल इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर एक टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, वेदर इकोनॉमिक, सोशल और रिलीजन। चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़, मैनेजमेंट के फंक्शंस जो होते हैं वो परफॉर्म होते हैं। देन है मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक फंक्शन से आप क्या समझते हैं? डायनेमिक फंक्शन का मतलब होता है कि इट्स चेंजिंग। जो भी एक एंटरप्राइज है उसका बिजनेस इन्वायरमेंट होता है, कुछ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं, कुछ इंटरनल इन्वायरमेंट होते हैं। तो जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं दैट इज़ विच इज़ अनकंट्रोलेबल, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट रहते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं। मैनेजमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक्स डायनेमिक फंक्शन भी है। डायनेमिक फंक्शन मीन्स कि जो बिजनेस का इन्वायरमेंट होता है वो चेंज होता रहता है। जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट, बोथ आर कीप चेंजिंग, तो वो कॉन्स्टेंटली सेम नहीं रहता। जब वो कॉन्स्टेंटली सेम नहीं रहता, बिजनेस को अपनी पॉलिसीज, प्लान्स क्या करने रहते हैं? चेंज करने रहते हैं अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ बिजनेस, लाइक टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। फिफ्थ पॉइंट है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है कि जो मैनेजमेंट है वो मल्टी मीन्स कि एक से ज़्यादा चीज़ों में अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम देख सकते हैं कि मल्टी डायमेंशनल में तीन चीज़ें इंक्लूडेड है। फर्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या कहता है? ये कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो डिफरेंट लोगों से मिलके बनी रहती है, तो वहाँ पर डिफरेंट वर्क होते हैं, तो उनको मैनेज करना। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ वर्क होता है जिसको हमें मैनेज करना रहता है। लाइक स्कूल, स्कूल में कैसे वर्क को मैनेज किया जाता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट हो। हॉस्पिटल्स में क्या होता है? हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है, तो दैट इज़ मैनेजमेंट ऑफ वर्क। सेकेंड है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब ये होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट तरीके के लोग होते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट एजुकेशन होती है, तो हमें उन लोगों को ऐसे मैनेज करना चाहिए ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो, फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो एक मैनेजर को उन्हें अच्छे से लीड करना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए, प्रॉपर डेवलपमेंट होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट ऑफ पीपल सही है। देन है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन रन करती है तो उसके कुछ ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशंस मीन्स या तो वो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री रहती है या वो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इंडस्ट्री रहती है। ऑपरेशंस के अंदर ये इंक्लूड हो सकते हैं कि जो भी कंपनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है वो अपने ऑपरेशंस को कैसे मैनेज कर रही है। देन है मैनेजमेंट इज़ इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब ये होता है कि जिसे हम फिजिकली देख नहीं सकते। इट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। हम उसको देख नहीं सकते लेकिन हमें उसकी प्रेजेंस पता चल सकती है। कैसे पता चल सकती है? बाय सीइंग प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इन वर्किंग एनवायरनमेंट। जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा, जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं वो खुश होंगे, सेटिस्फाइड होंगे, तो इससे हमें ये पता चलता है कि मैनेजमेंट दिखती नहीं है लेकिन उसकी चीज़ों को हम फेल्ट कर सकते हैं। देखिए, इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट का पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है किसी भी कंपनी के उद्देश्य क्या है।
उसी को हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है सर्वाइवल। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका सबसे फर्स्ट मेन मकसद क्या होता है कि उसे मार्केट में सर्वाइव करना है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है सर्वाइवल। सर्वाइवल में उसको इतना रेवेन्यू तो जनरेट करना पड़ेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ताकि वो अपनी कॉस्ट को मीट कर पाए। देन है प्रॉफिट। जब एक ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करने लगती है तो उसका दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रॉफिट हो। प्रॉफिट एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है। अगर उसको प्रॉफिट नहीं होगा तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव नहीं दे पाएगी। इंसेंटिव नहीं दे पाएगी तो हो सकता है उसका एम्प्लॉयज़ वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला जाए। देन थर्ड है ग्रोथ। जब प्रॉफिट अचीव होने लगता है तो एक ऑर्गेनाइजेशनल सोचती है कि उसकी ग्रोथ हो, क्योंकि लॉन्ग रन में ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। अगर ग्रोथ नहीं होगी तो हम सेल्स वॉल्यूम नहीं बढ़ा पाएंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ नहीं ऐड कर पाएंगे, तो जो हमारी ग्रोथ है वो स्टैग्नेंट हो जाएगी। उसका कर्व ऐसे नहीं जाएगा, उसका कर्व ऐसे जाएगा। देन है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो सोसाइटी से रिसोर्सेस लेती है, तो उसके कुछ सोशल मतलब उसके कुछ सोसाइटी के प्रति भी ऑब्जेक्टिव होते हैं। सेकंड जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है सोशल ऑब्जेक्टिव। एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो सोसाइटी से कुछ ना कुछ लेती है, तो उसके कुछ सोसाइटी के प्रति भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करे। अगर आप सोसाइटी से कोई चीज़ ले रहे हो, आप सोसाइटी से रिसोर्सेस ले रहे हो, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो जिस भी सोसाइटी को सर्व कर रही है उनको क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे एट रीजनेबल प्राइस, मतलब रीजनेबल प्राइस पे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो चीपर प्रोडक्ट दे रही है एट चीपर प्राइस, उसको क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने चाहिए एट रीजनेबल प्राइस। सेकंड, ऑर्गेनाइजेशन जो भी प्रोडक्शन कर रही है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। एनवायरनमेंट फ्रेंडली का मतलब ये है कि एनवायरनमेंट को ज़्यादा हार्म ना करे। देन थर्ड ऑब्जेक्टिव है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि हमारी कंपनी में जितने भी पर्सन काम कर रहे हैं उनके प्रति भी एक कंपनी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लाइक फेयर रेम्यूनरेशन। आपको उनको फेयर रेम्यूनरेशन देना चाहिए, मतलब कि आपको उनको एक सही सैलरी देनी चाहिए। फेयर रेम्यूनरेशन, फेयर रेम्यूनरेशन मतलब कि आपको उनको एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उनसे ज़्यादा काम करवा रहे हैं और कम पैसे दे रहे हैं। देन है जॉब सिक्योरिटी। अगर कोई पर्सन आपकी कंपनी में जॉब कर रहा है तो आप उसको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, ऐसा नहीं है कि आप उन्हें कभी भी निकाल दें। इसके बाद हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में 3 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट इज टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, देन लोअर मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं? चेयरमैन, बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। और मिडिल लेवल में कौन आते हैं? डिपार्टमेंटल हेड, डिविजनल हेड। डिपार्टमेंटल हेड इंक्लूड प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर। देन थर्ड है लोअर लेवल। लोअर लेवल में कौन आते हैं? सुपरवाइजर, फोरमैन, क्लर्क एक्सेट्रा। देखिए टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या आता है? जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है? ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट करता है, प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाता है, देन फाइनेंस अरेंज करता है। एंड जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है? रिक्रूट करना, सेलेक्ट करना, मोटिवेट करना, कोऑर्डिनेट करना, ये सब किसके काम होते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट के। थर्ड है लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है? क्वालिटी स्टैंडर्ड। क्वालिटी स्टैंडर्ड मतलब क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स बनाना, आप उसमें कुछ भी ऐसे ऊपर नीचे, मतलब जो हमारी क्वालिटी स्टैंडर्ड को मैच करें आप वैसे प्रोडक्ट्स बनाएं। देन टीम स्प्रिट, टीम में होकर काम करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।